तो दोस्तों इस समय मित्र रूस की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और आप सभी जानते हो कि इस समय जरूरत की चीजों को लेकर रूस में काफी ज्यादा तंगी मची हुई है और इसी समस्या को लेकर रूस ने भारत से कहा कि आप हमसे पैसे पहले ले लीजिए, बस हमारे लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो हमें सबसे पहले पहुंचा देना। और जरूरतमंद चीजों में से सबसे पहले रूस ने भारत से मांगी है चाय, और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि रूस ने भारत को अप्रैल महीने के अंदर 30 लाख किलोग्राम चाय का ऑर्डर दिया है, जो कि पिछले साल अप्रैल में 25 लाख किलोग्राम का ऑर्डर हमें रूस से मिला था। यानी इस साल 5 लाख किलोग्राम जो चाय है वो अतिरिक्त खरीद रहा है हमसे रूस। वहीं पर दोस्तों हम कीमत की बात करें तो पिछले साल हमने रूस को 144 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चाय बेची थी और आज भारत की चाय की जो प्राइस है वो बढ़कर 187 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। यानी भारत के चाय की प्राइस भी बढ़ी है और वहीं पर रूस ने भारत के माल की जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ा दिया है और रूस आगे चलकर भारत की चाय पर और ज्यादा निर्भर होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि रूस पहले श्रीलंका से भी चाय खरीदा करता था, परंतु अब की बार श्रीलंका में क्राइसिस के चलते वहां पर चाय के बागान नष्ट हो चुके हैं और ऐसे में भारत ही एकमात्र रूस का सहारा बचा है, इसलिए रूस आया है भारत के पास। और भारत से 30 लाख किलोग्राम चाय को सप्लाई करने के लिए रूस ने आग्रह किया है और भारत भी रूस के इस आग्रह पर तत्काल फैसला ले चुका है और भारत के जो कंटेनर शिप जहाज हैं वो भारत के भिन्न भिन्न स्थानों की जो चाय है उसको लादकर रूस की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब दोस्तों पिछले साल का हम डाटा उठाकर देखें तो पिछले साल हमने 230 मिलियन किलोग्राम जो चाय है उसको बेचा था और भारत के चाय खरीदने वाले देशों में से सबसे पहले आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है ईरान और तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। यानी रूस ने हमसे पिछले साल भी सबसे ज्यादा चाय खरीदी थी और इस साल भी रूस और ईरान ही भारत से सबसे ज्यादा चाय खरीद रहे हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल रूस ने हमसे 32,50,000 किलोग्राम चाय को खरीदा था 144 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब चूंकि पिछले साल श्रीलंका जैसा एक बड़ा एक्सपोर्टर देश रूस के पास था तो भारत से चाय का आयात कम हुआ था, परंतु इस साल श्रीलंका में क्राइसिस के चलते एकमात्र सहारा बचा है भारत ही, इसलिए भारत को ही रूस की मदद करनी पड़ेगी। खैर आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत को रूस की मदद करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।